जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इसी नाम से। पाकिस्तान के अंदर एक केयर टेकर गवर्नमेंट बन गई है और इस केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर मशाल खान नाम की खातून प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर बन चुकी है। दरअसल ये महिला यासीन मलिक की पत्नी है। यासीन मलिक हुरियत कॉन्फ्रेंस के एक सेपरेटिस्ट नेता रहा है और JKLF का पुराना आतंकवादी भी रहा है। इसके ऊपर मर्डर के इल्जाम है। इसके ऊपर कश्मीरी पंडितों और एयरफोर्स के एक स्क्वाड्रन लीडर के मर्डर का इल्जाम है, जो कि साबित हो चुका है। इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। ये फिलहाल जेल में बंद है और इसकी वाइफ जो है मशाल खान, ये ISI का एक प्यादा है। इस्लामाबाद के अंदर इसको एक बहुत बड़ा घर मिला हुआ है। सुनने में आया है कि फौज की बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी है और फौजी अफसर, खासतौर से ISI के, इसके घर निरंतर आते जाते रहे हैं और आना जाना बड़ा नॉर्मल है। अब इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने मशाल खान को एडवाइजर बना दिया है। उनको लगता है कि ऐसा करने से वो पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज दे पाएंगे और कश्मीरी जो उनका जो एजेंडा है वो सक्सेस होगा। लेकिन ये ड्रामा वो पिछले 75-76 साल से कर रहे हैं, आज तक कामयाब नहीं हुए और पूरी दुनिया को उनकी असलियत मालूम चल गई है। कश्मीरियों ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया है और इससे काफी परेशानी पाकिस्तान की बढ़ गई है और ये आप कह लीजिए कि बौखलाहट में उठाया गया एक कदम है। मैं तो ये कहता हूं कि मशाल खान को ये केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बना लेते तो शायद जो वो एजेंडा सोच रहे हैं उसके अंदर जरूर थोड़ी तबानाई आती, थोड़ा जोश आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। और उनको भी मालूम है कि इससे भी कुछ होना जाना कर नहीं, कुछ नहीं है। इंडिया के अंदर कुछ मीडिया हलकों में जरूर इसकी बात हुई, लेकिन वो भी इट हैज डाइड डाउन इट्स ओन डेथ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मशाल खान को एडवाइजर बनाए प्राइम मिनिस्टर का या आप प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना बना दे। अब जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से जब बात हुई तो उनका उनमें से कुछ का कहना था कि ये ISI की एक किस्म से कीप रही है और जियोपॉलिटिकल रीजन से इसका निकाह यासीन मलिक से कराया गया, जो कि उम्र में इससे 20 साल बड़ा है। और लेकिन इसकी कोई ऐसी पॉपुलैरिटी हो, इसकी कोई अपील हो वैली के अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबको वैली के अंदर, जैसा मैंने पहले कहा कि सबको गेम प्लान बहुत अच्छी तरह मालूम हो गया है, उसका पर्दाफाश हो गया है। अब पाकिस्तान कुछ भी ड्रामा कर ले वो इसमें सफल नहीं होगा। दरअसल वो बलूचिस्तान का एक पठान कक्कड़, जिसका नाम है, उसको उन्होंने केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया है और उसके जो ख्याल है बलूचिस्तान के डिसअपीयर्ड लोगों के बारे में वो काफी हैरान कर देने वाले हैं। वो ये कहता है कि जो 10,000 डिसअपीयर्ड की जो संख्या बताई जाती है वो पूरी तरह गलत है। वो कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो डिसअपीयर्ड हैं और वो उसको एक एजेंडा करार देता है। तो इस तरीके का व्यक्ति जो अपने मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर पर्दा डालता हो और कवर करता हो, आप उससे क्या तवक्को करेंगे कि मशाल खान जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर अपने प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करेगी तो वो क्या एडवाइस करेगी, क्या उसकी काबिलियत है, क्या उसका बैकग्राउंड है कोई से सवाल पूछे। तो दरअसल ये पूरा का पूरा मशीनरी जो है ये प्रोपेगेंडा करेगी और इसके अलावा कुछ नहीं करेगी। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, सिर्फ अपने आम शहरियों को मूर्ख बनाया जाएगा, बेवकूफ बनाया जाएगा और वो चूरन खिलाया जाएगा जिससे पेट का हाजमा भी खराब रहेगा और दिमाग भी खराब रहेगा। बहरहाल जहां तक हम लोगों का सवाल है, हम लोगों को पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। पाकिस्तान एक बहुत ही इलॉजिकल और इनकंसिस्टेंट काइंड ऑफ नेशन विच हैज गॉट नो स्टैंडिंग ऑफ इट्स ओन, ये कुछ भी कर सकता है दुनिया की अट्रैक्शन गेन करने के लिए। ये अपने आप को गोली भी मार सकता है, ये उसकी ये सलाहियत है। ये खुदकुशी भी
करने में या कोई कोताही नहीं बरतेगा, कोई चांस नहीं छोड़ेगा। जब मैं खुदकुशी की बात करता हूं तो वो कुछ ना कुछ एडवेंचरिज्म इंडिया में कभी भी कर सकता है, और इसके लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और याद रहे कि अगर इंडिया के अंदर आपने बदमाशी करने की कोशिश करी तो जमाने बिल्कुल बदली हो चुके हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है। आपको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो भी पानी में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। बहरहाल ये मेरी एक छोटी सी प्यारी सी धमकी थी पाकिस्तान और पाकिस्तान के वासियों के लिए। लेकिन ब्रॉडर क्वेश्चन ये है कि मशाल खान को आप प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये भी एक बुलबुला है जो कि समय के साथ फूट जाएगा। बहरहाल तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। मेरे को दीजिए इजाजत, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मित्रों में शेयर कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।